इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। जब से यह मुल्क में पूरा एहतजाज जारी है, सड़क पर सैकड़ों की तादाद में लोग आए हुए हैं और ये देख सकते हैं पीछे की शाहीनबाग की तर्ज पर हुबली शहर में भी यहाँ पर एहतजाज जारी है। रात हुई है फिर भी जो है औरतें कसीर तादाद में यहाँ वो शरीक हो रही हैं। उनके उनके अंदर एक गुस्सा है, उन्होंने एहतजाज किया हुआ है कि NRC CAA जो कानून है, ये कानून एक काला कानून है और तकरीबन पूरे मुल्क में 43 शहरों में ये इस तरह का एहतजाज जारी है। कर्नाटक में भी पहली मर्तबा हुबली शहर में है, केरला में भी हो रहा है, राजस्थान में भी हो रहा है, बम्बई में हो रहा है और शाहीन बाग के तर्ज पर यह हुबली शहर में भी इस तरह का एहतजाज आप देख सकते हैं कि कसीर तादाद में लोग यहाँ पर हैं और दूर दराज से भी लोग यहाँ पर शरीक हो रहे हैं और दिन ब दिन तादाद में इजाफा ही होता जा रहा है। इसका मतलब ये एहतजाज रुकने वाला नहीं है, ये एहतजाज उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक कि एक काला कानून वापस नहीं लिया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। ये जो प्रोटेस्ट है, ये प्रोटेस्ट करना भी हमारा हक है और आज वक्त का तकाजा ये है कि हम एहतजाज करें, अपने हक़ के लिए करें। जब हम पर कोई ज़ाती तौर पे आँच आई तो हमने आवाज़ नहीं उठाई, हमने बर्दाश्त किया, लेकिन जब हमारे दस्तूर पे आँच आ रही है, हमारे वजूद पे आँच आ रही है तो हम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम ख़वातीन हैं, हमने कभी घर के बाहर कदम नहीं निकाला, लेकिन आज जब ये मामला आ गया तो हम मजबूर हो गए कि हम बाहर निकलें। अगर हम आज बाहर नहीं निकलेंगे तो कल के दिन न सिर्फ हम बल्कि हमारी नस्लें शर्मसार होंगी कि वो वक्त था, आगे बढ़ना था, लेकिन जो है हम पीछे रह गए। तो हम ये तारीख बनाना चाहते हैं कि मुसलमान ख़वातीन जिनको लोग कहते हैं, बातिल ताकतें कहते हैं कि वो ऑप्रेस्ड हैं, दबा के रखा गया है, आज हम बता दें हैं कि हमें मुकम्मल आज़ादी है। हमारे घर वालों ने हमें ये आज़ादी दी है, अपने साथ वो हमें ले आए हैं और आज हम अपने हक़ के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। मैं तमाम बहनों से यही कहूँगी, हमारे भाइयों से भी, कि अपने सिर्फ ये मकाम पर नहीं, अपने घर में भी अपनी बीवियों को, बहनों को, बेटियों को आज़ादी दीजिए। वो उस आज़ादी का गलत इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करेंगी। तो आज जो ये हम बाहर निकले हैं, इंशाल्लाह हमें यकीन है, हमें औरत की उस क़ुव्वत पर यकीन है कि हमें कामयाबी मिलेगी और हम देख रहे हैं कि सरकार के रवैये में लचक आती जा रही है। ये नारी शक्ति ही की देन है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमारी दुआओं को ज़रूर सुनेगा। हमारी कुर्बानियाँ, जो हमारे वो बच्चे कुर्बानियाँ दे रहे हैं, वो रायगढ़ नहीं जाएंगी, उनकी मेहनतें अकारत नहीं जाएंगी। हमारी दुआएं हैं, उनकी जिद्दोजहद है, सारे लोग मिलकर हम एकता के साथ ये काम कर रहे हैं तो एक दिन आएगा कि सरकार को ये कानून वापस लेना पड़ेगा, उन्हें घुटने टेकना पड़ेगा हम औरतों के सामने। ये बात को देखकर क्या महसूस हो रहा है, क्या तासुरात हैं आपके? ये गौस बाग को देखकर, वो शाहीन बाग जो बुनियाद है वहाँ की, उन औरतों को हम सलाम करते हैं। हमें वो जज्बा वहाँ से मिला, ये जज्बा मिला कि वो लोग जब आ सकती हैं तो हम भी आ सकते हैं। अपने जो है वजूद को बचाने के लिए हर किसी को आना चाहिए, तो शाहीन बाग से हमें वो इंस्पिरेशन मिला है और हम आज यहाँ हैं। इंशाल्लाह हम जब तक ये कानून कैंसिल नहीं होगा हम यहाँ पर रहेंगी। इस काले कानून के खिलाफ हम अब जितने दिन से लड़ रहे हैं, आगे भी हम इसी तरह से लड़ते जाएंगे। जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक हम लड़ते ही जाएंगे। देश के मोदी जी कहते हैं देश की बेटियां, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के भी बोलते हैं, आज उनके देश के बेटियां इस तरह से सड़क पर ठहरे हैं, क्या उनको दिखाई नहीं देता है किस तरह से ये बातें करते हैं? बोलते हैं भी वही है और करते कुछ नहीं है, सिर्फ बोले ही जाते हैं। इसके खिलाफ NPR और CAA के खिलाफ हमें ये सब नहीं चाहिए, प्लीज़ इसको वापस लीजिए, आपसे गुजारिश करते हैं। अब यहाँ पर ये दो दिन से चला हुआ है और मकसद सिर्फ ये है कि हम लोगों को साबित करना है कि हम लोग यूनिटी में हैं, कोई जात पात कुछ, इधर इक्वालिटी का चल रहा है। हमें हर एक बात पर, थोड़े लोग बोल रहे हैं कि हिंदू हम लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, मेरे लाइफ में मेरे आधे से ज़्यादा मेरे मुस्लिम फ्रेंड्स नहीं है बल्कि हिंदू फ्रेंड्स ही हैं और वो लोग भी हम लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। वो हमारी सबसे बड़ी यूनिटी है कंट्री की और वी आर द इंडियंस एंड वी डोंट हैव टू प्रूव एनी काइंड ऑफ एविडेंस टू गिव अस डॉक्यूमेंट्स टू देम। वी डोंट नीड एनी डॉक्यूमेंट्स टू प्रूव बिकॉज वी बॉर्न हियर ओनली एंड वी हैव अ
राइट टू गेट अ एजुकेशन एंड इक्वालिटी। आप कब तक एहतजाज करेंगे? जब तक जहाँ है, जब तक हम लोगों को इंसाफ मिलता है मिलेगा, तब तक हम लोग हमारा प्रोटेस्ट जारी रखेंगे। आज हम यहाँ पर गौसिया बाग में एक एहतजाज में शामिल हैं जो मुल्क भर में चल रहे हैं फिलहाल, जो NRC और CAA और NPR, ये ऐसे जो काले कानून जो हमारे मुल्क में नाफिज किए जा रहे हैं, जिसे हमारी हुकूमत लाना चाहती है, जबरन लाना चाहती है, हम इसके खिलाफ विरोध कर रहे हैं, हम इसके मुखालिफ हैं, हम इस कानून के बिल्कुल अगेंस्ट हैं। ये कानून बल्कि ये कानून एक मजहब के मुखालिफत नहीं करता कि मुल्क भर के तमाम शहरी इसमें जो है सफ़र करेंगे, मुश्किलात का सामना करना पड़ेंगे। और दूसरी जो बात ये है, हमारा जो एहतजाज चल रहा है जिसके हुबली की सरजमीन पर, यहाँ पर गौसिया बाग में आप देख सकते हैं कई लोग जमा हुए हैं, कई ख़वातीन यहाँ पर जमा हुई हैं, इस एहतजाज में शामिल हैं। हम इस बात को समझ रहे हैं कि ये जो कानून है ये बिल्कुल ही गलत कानून है, ये इसको जो है बिल्कुल हमारे मुल्क से इसको निकालना है हमें, और हम इसे बाकायदा जो है हम इसके साथ जो बड़ी हिम्मत के साथ, इत्तेहाद के साथ, हम एक दूसरे के साथ जुड़कर जो है इस एहतजाज को यहाँ पर कर रहे हैं, और इस मुल्क से जो है इस काले कानून को निकाल कर ही रहेंगे। देखा जा रहा है कि हमारे एहतजाज कामयाब भी हैं, हम इस लिहाज से हम इसे अपनी बात को कामयाब समझ रहे हैं कि ना सिर्फ हिंदुस्तान में इसको जो है मतलब कि एक नज़र से देखा जा रहा है, बल्कि इसको पॉजिटिवली देखा जा रहा है कि एहतजाज में क्या है, कोई बात है, इनकी आवाज़ में वाकई कोई बात है, इनकी आवाज़ में दम है, और इनकी आवाज़ जो है हक की लड़ाई है। इसी तरह से दुनिया भर के तमाम लोग अफराद भी जो है हमारे मुल्क को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मोदी की जो तानाशाही हुकूमत को वो नज़र रखे हुए हैं, और वो बाकायदा हमारे साथ लगातार बढ़े हुए हैं। अब ये एक हिंदुस्तान का मसला नहीं बन गया है, अब ये हमारे शहरियों का मसला नहीं है, बल्कि एक आलमी मसला बन चुका है, जो हमारे हिंदुस्तान में जो है इस तरह के कवानीन को जो है जबरन लाया जा रहा है, और फिर जो है इंसानियत को जो है यहाँ पर एक बड़ा नुकसान पहुँचेगा, क्योंकि इससे मुल्क हमारा मुल्क जो है एक शहरी एक जमहूरी मुल्क है, जहाँ पर जो है अवाम की हुकूमत है, अवाम की जो है जो ज़रूरियात है, उनकी जो ख्वाहिशात है, उसको मद्देनज़र रखते हुए बनाया गया है। हमारी जो है मांगों को यहाँ पर सुना जाता है, हमारी मांग तो यही है कि ये जो NRC और ये जो CAA, ये जो भी कानून यहाँ पर है, इसको बिल्कुल निकाल दिया जाए, इसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए। ये तीन से चार दिनों से ये यहाँ पर यह एहतजाज जारी है, और लगातार हम इस एहतजाज में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, और जो है ये कानून जब तक इस मुल्क से निकल नहीं जाता, हम लगातार जो है ये एहतजाज जारी रहेगा। आप दूसरी औरतों को यही पैगाम है, देखिए शाहीन बाग की जो खवातीन है, तो शाहीन बाग की जो खवातीन है जिन्होंने इस एहतजाज को शुरू किया, आज ये उनका एहतजाज जो है पूरे मुल्क भर में पहुँच चुका है, और लगातार लोग जो है इससे जुड़ते जा रहे हैं, हर जगह हर मजहब के लोग जो है हमसे जुड़ रहे हैं, बाकायदा एक आवाज़ बनकर जो है मुल्क में आवाज़ लगाई जा रही है, तो इस आवाज़ को सुनना चाहिए गवर्नमेंट को, और ये बिल्कुल ये असरदार आवाज़ है, ऐसी नहीं है कि इनको दबा दिया जाएगा, और ये रुकने वाली थमने वाली आवाज़ें तो है नहीं, बिल्कुल ये असरदार है, और ये बिल्कुल ज़रूर असर करेगी हिंदुस्तान में, और ये काला कानून जो है मैं समझती हूँ कि बिल्कुल ख़त्म होगा और यहाँ से निकल। अस्सलाम वालेकुम, वी आर हियर इन द गौसबाग प्रोटेस्ट, वी आर स्ट्रांगली स्टैंडिंग अगेंस्ट NPR, CAA, वॉट वॉज द गवर्नमेंट हैज पास दिस इलीगल एंड दिस लॉ इज़ वेरी अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इट इज़ वेरी डिस्क्रिमिनेटिव एंड सो दैट वी आर स्ट्रांगली अगेंस्ट दिस लॉ एंड वी रिजेक्ट एंड वी कंडेम इट दिस लॉ एंड आई अपील टू द गवर्नमेंट टू टेक दिस लॉ बैक and we are not Muslim and every religions who are living in India are strongly against this law. It is very unconstitutional and we are not accepting in any condition this law and we are not giving up. So thank you.